लेह लद्दाख, इट्स अ बाइकर्स पैराडाइज, इट्स अ ड्रीम डेस्टिनेशन, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ। जितने लोग उतने अंदाज है इस जगह को डिस्क्राइब करने के, लेकिन एक बात है जो सब में कॉमन होती है, दैट लेह लद्दाख इज मोर देन जस्ट अ ट्रिप, लेह लद्दाख इज एन इमोशन। This is Kundan from countingkilometers.com. We create travel stories about everything from mountains to oceans, from trekking and hiking to motorcycle riding and everything in between. So if this is something that interests you, please consider subscribing to our channel and following us on all our social handles. Ek number. Moria! पीपल प्लान देयर ट्रिप्स टू लद्दाख विद डिफरेंट प्लेसेस ऑन माइंड। कुछ लोगों को सैंड ड्यून्स देखने होते हैं, तो किसी को पैंगोंग लेक। सम पीपल गो देयर फॉर स्नो एंड सम फॉर विविड कलर्स। बट व्हेन वी प्लान्ड इट, वी प्लान टू डू इट ऑल इन वन सिंगल शॉट। राइडिंग टू हिमालयाज ऑल द वे फ्रॉम मुंबई इज नो जोक। इट टेक्स ट्रेमेंडस पेशेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑन द जॉब टू राइड दिस 2000 किलोमीटर्स ऑन हाईवेज। So, निकलने से पहले ही हमारे 8 लोगों के ग्रुप में 3 बंटवारे हो चुके थे। 4 लोग निकले बाइक्स लेकर, 2 लोगों ने चंडीगढ़ से बाइक्स हायर की, और 2 लड़कियां जो हमारे साथ ये राइड करने वाली थी उन्होंने डायरेक्ट लेह तक फ्लाइट से आने का डिसीजन ले लिया। ब्रेकडाउंस, बारिश, ट्रैफिक और बदलता मौसम, इन सब से जूझते हुए हम चारों ने 3 दिन में ये चंडीगढ़ तक का सफ़र पूरा किया, और वहाँ से आगे फिर हम 4 से 6 हो गए। बाय द वे, आई डिडंट टेल यू अबाउट द रूट दैट वी हैड प्लान्ड, सो हियर वी गो। एज आई सेड, वी हैड प्लान्ड टू डू ऑल एट वंस इन अ सिंगल ट्रिप, सो वी हेडेड टुवर्ड्स सच पास फॉर आवर फर्स्ट हैंडशेक विद हिमालयाज, अक्लेम्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस पासेस इन हिमाचल। सच पास इज द गेटवे टू पांगी वैली एंड इट स्टैंड्स एट अराउंड 4,500 मीटर्स फ्रॉम मीन सी लेवल। It took us around 8 hours to ride to the top, and then we got so relaxed that we totally lost the track of time. Challenge number 1 dusted. Yes. Such pass, you beauty. Kya baat hai? At last, we are at Such Pass. As per itinerary. Yes. मोर देन एन आवर्स टाइम गुजरा हुआ। वेदर अच्छा था तो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर लिया, बट अभी जो ठंडी पड़ गई है, इट्स 7 o'clock एंड वी आर स्टिल हियर एट द टॉप ऑफ सच पास। खिलाड़ के लिए 50 किलोमीटर जाना है, कम से कम 3 घंटे लगेंगे। 50 किलोमीटर रात के अंधेरे में, और वो भी सच पास से खिलाड़ तक, नामुमकिन तो नहीं था पर खतरनाक जरूर हो सकता था। सो वी डिसाइडेड टू कैंप मिडवे एट बोगोटू। वेल, इट वॉज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजंस बिकॉज वी वर ऑलमोस्ट फ्रोजन ओवरनाइट। सून आफ्टर वी डिसाइडेड टू कैंप, द टेम्परेचर डिप्ड बिलो 0 एंड मेनी ऑफ अस स्पेंट ऑल नाइट शिवरिंग। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन टू डे 5 ऑफ दिस टूर। Up next on the ride was world's most dangerous road and we were again split in 2 teams. मैं और योगेश आगे चल पड़े थे क्योंकि हमें जांचकर भी कवर करना था। बाकी सब लोग एक दिन पीछे चल के हमसे फिर मिलने वाले थे सीधे लेह में। आर्टिकल 370 हटने से ऑलरेडी पूरे जम्मू कश्मीर में माहौल बिगड़ा हुआ था और उसमें अब हमें अलग अलग होके रास्ता काटना था। बट इट वॉज ऑल स्टिल अ लॉन्ग वे अहेड। यहाँ इश्तियारी गांव में पहुँचे हम लोग 1:30 बजे और अभी बजे 4:15। ऑलमोस्ट 2.5 hours वी आर स्टिल हियर। आगे क्लिफहैंगर रूट पे कुछ अल्टरनेटिव एक रोड बनाने का काम चल रहा है, तो दे हैव क्लोज द रोड
ये है सामने क्लिफहैंगर रूट, अभी थोड़ा छाव में है और दो जगह पे काम चल रहा है, एक वहाँ एंड में वहाँ पे धूल उठती हुई दिख रही है और दूसरा है यहाँ पे बीच में, दो जगहों पे काम चल रहा है उसकी वजह से रोड बंद करके रखा हुआ है। फाइनली एट 4:15 वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इश्तियारी। रोड तो खुला नहीं है अभी तक ऑफिशियली, बट यहाँ का इश्तियारी का जो पुलिस स्टेशन का इंचार्ज है उसने कहा कि उनको खुद जाना है गुलाबगढ़, तो वो एक टैक्सी में बैठ के निकले हैं। बोले चलो मेरे साथ देखते हैं, बोला ठीक है अच्छी बात है, अगर निकल पाए उनके साथ तो उतना ही जल्दी निकल जाएंगे, अभी देखते हैं क्या होता है। It's 6:30 and we are still here waiting for this to clear. 6:45 and still no luck. 7 o'clock and still waiting. Finally, almost 1 घंटा यहाँ रुकने के बाद जाने की जगह मिली, वो भी अभी अच्छे से हुआ नहीं है ओपन, बट इस टेम्पो के टायर ट्रेल्स में चल चल के निकल लिए। कल शाम को 7:30-8 बजे पहुंच गए थे इधर, लेकिन शाम को कुछ डिस्कशंस करते करते लोकल्स के साथ टाइम बहुत निकल गया, तो अभी मैं आपको अपडेट दे रहा हूं कि सिचुएशन ऐसी है। कल हम पहुंचे इधर और आते ही पता चला आज हमें जहां जाना है किश्तवाड़ से होके श्रीनगर की तरफ, तो किश्तवाड़ में लगा है कर्फ्यू कल सुबह से, किसी ने आर्मी ऑफिसर की गन छीन ली तो उसकी वजह से कर्फ्यू लगा हुआ है। अभी हम निकलने वाले हैं किश्तवाड़ के लिए, लेकिन पहुंचेंगे या नहीं, फिर वहां से आगे जाने मिलेगा या आर्मी वाले रोक लेंगे, कुछ पता नहीं है। और ये कर्फ्यू वाली बात अभी तक घर पे भी पता नहीं है। अगली सुबह जब हम गुलाबगढ़ से निकले तब सिंथन पास के एक्साइटमेंट से ज़्यादा इस कर्फ्यू का टेंशन आ रहा था। We got interrogated at a few places, literally like if we were the culprits. But overall, it was all smooth. Only until we reached the top of Sinthan Pass. Because now, we were set to enter the Kashmir Valley. Jo bhi, jitna bhi unrest tha na, wo sab Kashmir Valley mein tha. And we got the taste of it. Look at the plains, look at the grasslands. Bahut zyada thand hai, bahut achhi hawa chal rahi hai yahan pe. वैली के व्यूज तो जबरदस्त गाइस। एक और चीज यहाँ के लोकल लाइफ के बारे में, 3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ लाइफ इन हिमालयाज इज अ स्ट्रगल। अभी एक और चीज यहाँ पे पता चली है, ये लोग यहाँ क्यों आए, बस इनसे मैंने पूछा अभी बात की, मैं फिर से पूछता हूँ, आप बस ये बताओ कि यहाँ पे आए क्यों आप? फोन करने आए हम 40 किलोमीटर। रहते कहाँ पे? रहते हम गाँव में लारनू। कौन सा? लारनू। जी जी, सुन रहे हो?
40 किलोमीटर से यहाँ आए हैं सिंथन टॉप पे बस एक फ़ोन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क मिलता है, नीचे नेटवर्क नहीं मिलता। दिस इज़ हाउ डिफ़िकल्ट लाइफ इज। पिछले 40 किलोमीटर से खाना ढूंढने के बाद अभी फाइनली खाना मिला है। अनंतनाग क्रॉस करके ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर आगे आ गए। श्रीनगर इज़ लेफ्ट व्हाट 52 किलोमीटर्स नाउ। और खाना मिला है तो क्या मिला है, थैंक्स टू पाजी, चिकन और रोटी खाने को मिल रही है। पिछले 6 दिन से चिकन के लिए तरस रहे योगेश, दबा के खाएंगे, दबा के। नो मैटर व्हाट, डिस्टेंस इतना था कि वी हैड टू प्लान अ स्टे इन कश्मीर वैली, सो वी डिसाइडेड टू रीच सोनमार्ग इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन श्रीनगर। राइट नाउ वी आर राइट हियर इन द पैराडाइज ऑन अर्थ सोनमार्ग। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज टाइम वी लेफ्ट कश्मीर वैली एंड एंटर्ड लद्दाख फाइनली। जी हाँ, जोजिला की चढ़ाई करके लद्दाख में पहुँचना ये एक ऐसी फीलिंग है जो लफ्ज़ों में बयान करना नामुमकिन है। ये रास्ता हर साल बनता है और हर साल सर्दियों में पूरा बर्बाद हो जाता है, फिर भी इस पास को हमेशा चालू रखने का काम बीआरओ करती है। कैसे करती है ये तो वही लोग जाने। आफ्टर क्रॉसिंग जोजिला देयर इज ओनली वन थिंग दैट वी कुड थिंक ऑफ एंड दैट वॉज टू विजिट द कारगिल वॉर मेमोरियल। इट्स जस्ट 10 किलोमीटर्स आफ्टर द्रास एंड इट्स राइट एट द फुट ऑफ तोलोलिंग। वी जस्ट हैड टू बी देयर एंड सोक इन दोज वाइब्स। Guys, we are at Hundarman right now. This village remains that you see behind me are Hundarman village. It was in Pakistan's control till 1971 Indo-Pak conflict में ये recapture किया था इंडिया ने। अभी तो ये abandoned है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। यहाँ से आगे 2 किलोमीटर पे एक गाँव है, वहाँ पे लोग रहते हैं। On the top of this peak there is a post of Indian army. उसको मैं zoom वगैरह करके नहीं दिखाऊँगा। और 2-3 किलोमीटर पीछे एक व्यू पॉइंट है, उस व्यू पॉइंट से पाकिस्तान का आउटपोस्ट लाइक बंकर जो भी है बॉर्डर पोस्ट वो, और पाकिस्तान के कंट्रोल में जो गांव है उसमें से एक गांव दिखता है। तो अभी वहां जाना है। फिलहाल हुंदरमान गांव का व्यू देख लो, वो देख के ही डर लगता है। इट्स टोटली अबंडेंट, कोई नहीं है यहाँ पे, पूरा गाँव खंडर बना पड़ा हुआ। यहाँ से एग्जैक्टली सामने पाकिस्तान का बंकर पोस्ट और एक गांव दिखता है। गांव का नाम गूगल मैप्स में है, मैं आपको लोकेशन मार्क करके उसका गूगल मैप्स का स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली कहां पे हूं और पाकिस्तान का गांव कौन सा है। पाकिस्तान का मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का। जूम करके तो दिखा नहीं पाऊंगा लेकिन एग्जैक्टली वहां पे सामने वो पोस्ट है पाकिस्तान का और यहां नीचे वो गांव है। तो राइट नाउ पाकिस्तानी सोल्जर्स मस्ट बी एबल टू सी मी। मार मत देना भाई। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ऑल सेट। सो वी आर फाइनली हिटिंग झांस्कर वैली टुडे। आज का प्लान है यहाँ से रंगदुम, रंगदुम से पेंसिला, पेंसिला जो झांस्कर वैली का टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहाँ पे जाके वापस रंगदुम में आने का और इफ पॉसिबल जितना हो सके कारगिल तक वापस आने का। वी आर स्किपिंग पदुम ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम।
Jaskar Valley was a dream. A dream that almost eluded, but we somehow got hold of it. It was almost as if हमें झांसकर वैली देखने से रोकने की पूरी कोशिश में सारी कायनात लग गई थी, पर हमने फिर भी हार नहीं मानी. डिलेज, ब्रेकडाउन्स, कर्फ्यू, रायट्स, एक्सीडेंट, यस स्मॉल एक्सीडेंट एज वेल, बट वी स्टिल केप्ट गोइंग. और फाइनली आज हम झांसकर वैली में पहुंच चुके थे. आफ्टर 4 आवर्स ऑफ रिगरस ऑफ रोडिंग, क्रेजी ऑफ रोडिंग, फाइनली वी आर हियर इन रंगदुम. और यहाँ से आगे अभी हमें जाना है पेंसिला टॉप, विच इज़ अनदर 30 किलोमीटर्स ऑड. अभी यहाँ पे एक आंटी ने बताया कि यहाँ से अराउंड 2 घंटे लगेंगे और जाने में, वापस भी नीचे आना है यहीं पे. वी हैव डन इट गाइस. झांसकर वैली में इस रूट पे, कारगिल पदम रूट पे, जो सबसे ऊंचा पॉइंट है टॉप ऑफ पेंसिला एट अ हाइट ऑफ 14,000 फीट फ्रॉम सी लेवल, बहुत मेहनत हुई है यहाँ तक पहुँचने में. जो ऑफ रोडिंग आपने अभी देखा दुनिया से हटके था. इज 7:15 और अभी टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस. अभी हमें जाना है और 80 किलोमीटर, उसमें से 70 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग है. कम से कम 3 घंटे लगेंगे, लेकिन जाना तो है. जी हाँ, वो पागलपन था और फिर भी हमने वो किया. रात के अंधेरे में 75 किलोमीटर का ऑफ रोड बिना किसी सपोर्ट के सिर्फ दोनों ने किया, मन में डर लेकर किया. नॉन स्टॉप 4 घंटे बाइक चलाई कच्चे रास्तों में, बट इन द एंड इट वॉज ऑल वर्थ द क्रेजीनेस. नेक्स्ट मॉर्निंग वी क्रॉस्ड कारगिल एंड टुक अनदर अनबीटन पाथ. वी चोज टू राइड टू लेह बट वाया बतालिक. नहीं चढ़ा पाए उधर से, तो बैक ऑन रोड सीधा रास्ते से ही चलेंगे. शॉर्टकट बन गया लॉन्ग कट. यहाँ तक आए थे और बस ये एक चढ़ान के लिए वापस जाना पड़ा. यार एट द टॉप ऑफ हमुतिंगला 4,024 मीटर्स फ्रॉम मीन सी लेवल ऑन द रूट फ्रॉम कारगिल टू बतालिक. ये रूट बहुत कम लोग करते हैं, बट इट्स अ ब्यूटिफुल रूट. आई शो यू द लैंडस्केप ऑन बटालिक साइड. सी दिस, एंड रेन्स अप्रोचिंग फ्रॉम देयर. दिस वॉज इंडीड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल राइड्स, एज देर वॉज हार्डली एनी ट्रैफिक एंड द रोड्स थ्रू आउट रन पैरेलल टू इंडस रिवर. इट वॉज रन रन एंड रन ऑल द वे टिल लेह. एंड यस, बाय द टाइम वी रीच्ड वी वर नॉट 2, वी वर 6 वंस अगेन. फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा था? बढ़िया. सेकंड मेंबर किया, फाइनल टीम इज कंप्लीट. सो कैसा लग रहा है लेह में पहुंच के? ऑसम, माय ड्रीम केम ट्रू टुडे. अभी तो चालू होना है राइड, तो आगे अपन. सो एंटायर टीम इज हियर, ऑल द पीपल टुगेदर गाइस. फाइनली पूरे 8 लोग साथ में. वी चोज Village Stoke, the official residence of Ladakh Royals, and it is directed like this. So that village over there is the Stoke village. Another one, village Matho, which is found in the year 1410. It's over there. That village over there is Matho, one of the oldest villages in Ladakh. And as I said while coming up, here you go, this is Khardungla. There, right over there, top. We'll be going there in a couple of days. It will be 18,380 feet from mean sea level, one of the highest motorable roads in the world. It is disputed, but agar likha hai, to hum to kahenge bhai, claim to karna padega.
आज का प्लान है लेह से निकल के नुब्रा वैली में जाने का, जिसमें हम क्रॉस करेंगे वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगला, विच इज एट 18,380 feet. एवरीवन इज सेट, लगेज इज सेट. आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि दो दिन का गैप पड़ गया था, सब थोड़े डिले पड़ गए थे इंक्लूडिंग मी. व्हाट इज दैट? डोगरा वेट कैंटीन. अभी ऑर्डर दिया है 6 मैगी और 4 ब्रेड ऑमलेट. भरपेट मैगी खाने का मतलब क्या होता है ना, आज देखा है 8 लोगों में 9 मैगी और 6 ब्रेड ऑमलेट. अभी शायद लंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. टाइम टू गो अहेड. खारदुंगला टॉप इज अनदर 15 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. अभी सांस फूलना चालू हो गया है. डन दैट. 4 साल में तीसरी बार, एक्चुअली चौथी बार. पहली बार में 2016 में 2 बार किया था, यहाँ से नुब्रा गए थे और वापस आए थे. सो टेक्निकली 4 साल में चौथी बार. द टॉप ऑफ द वर्ल्ड खारदुंगला, इट्स एन अमेजिंग फीलिंग. एंड अ ग्रुप ऑफ 8 पीपल हियर. वाओ, फाइनली डन इट. कितवांदा गेला सर? 8th time. मैं अभी बोल रहा था चौथी बार, ये 8वीं बार. Nubra Valley is indeed a wonderland in Himalaya, and here it is, the first of its gems, a gigantic statue of Maitreya Buddha built atop a hill, and it keeps its charming eyes on another gem of Nubra, the sand dunes. Yes, the sand dunes in Himalaya. First के लिए दूसरे होटल पे आना है ऐसे बोला उसने, और जहाँ लेके आया ना, क्या लोकेशन है उस प्रॉपर्टी का. ब्रेकफास्ट हो गया, अभी मैं प्रॉपर्टी के टेरेस पे खड़ा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे हिमालयाज में मिलने वाले जितने भी फल और सब्जियाँ हैं ना, सब यहाँ पे उगा के रखे हैं. सो वेन एवर यू आर कमिंग हियर, आपको सारे यहाँ के क्रॉप्स जो है वो फर्स्ट हैंड सामने देखने मिलेंगे. एंड सेकेंडली द लोकेशन, सी दिस, दैट्स द सैंड ड्यून्स ऑफ अंदर, द हिमालयन कोल्ड डेजर्ट जिसको बोलते हैं.
How does it feel to live in a place which keeps changing its address? Can't even imagine, right? But here, there are places which were in Pakistan some years back, and now they're in India. Because यहाँ से 4 किलोमीटर्स आगे तक इंडिया का बॉर्डर है बट दे आर नॉट अलाउिंग अस ड्यू टू करंट कंडीशंस एज आई सेड अर्लियर बट दे शोड अस सम इंटरेस्टिंग थिंग्स इफ यू कैन सी दिस माउंटेन राइट एट द पॉइंट वेयर माई फिंगर टिप इज वहाँ पे पाकिस्तान का बंकर है और दिस पॉइंट राइट एट माई फिंगर टिप राइट नाउ इज इंडियाज बंकर सो हाफ ऑफ द माउंटेन इज इन पाकिस्तान हाफ इज इन इंडिया And this mountain behind the slope is entirely in Pakistan, Pak-occupied Kashmir, of course. So this is how close we are right now to Pakistan's border. And the enemy is of course watching us. I just shot a picture also, jahan pe likha hua hai, you are under enemy supervision. On the way back, I was riding literally quiet. Main upset tha. Par isliye upset nahi tha ki zero point tak jaane nahi mila. मैं अपसेट था वहाँ के लोगों के बारे में सोचकर खासकर वहाँ के बच्चे जिनको जय हिंद बोलने को कहा जाए तो वो कतराते हैं वो गांव वो जमीन तो भारत की हो चुकी है पर वहाँ के लोग डे 15 ऑफ दिस राइड लद्दाख 2019 वी आर हियर इन न्यूब्रा वैली एंड नाउ लिविंग फॉर पैनगोंग द मैजेस्टिक पैनगोंग लेक दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक अपने इंडिया में वेल यहाँ से 175 किलोमीटर्स की राइड है We'll be taking the Agam Shyok route, Shyok Valley jo kehte hai. And let's hope it doesn't take too much of time. Mere khayal se 7-8 ghante lagna expected hai. Do ya teen water crossings hai jahan pe Shyok River cross karni hoti hai. This is one of the most thrilling routes in entire Ladakh. And why not? Is jagah ka naam hai Shyok Valley, jo pada hai Shyok Nadi ke naam se. Aur Shyok Nadi ko English mein kaha jata hai the river of death. वैसे डेथ का तो पता नहीं पर जमीन चूमने का मौका दिया मुझे शोक वैली ने थाम 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 तू बाजू ले सूट यहाँ पे क्या खाया ये तो पूछने में मतलब नहीं है मैगी और ऑमलेट दूसरा कुछ मिलता नहीं है खाना तो 40 किलोमीटर्स टू पैनगोंग और मेरक तक अगर जाना है तो 65 किलोमीटर लेट्स सी स्पैंगमिंग मन या मेरक जहाँ पहुँचेंगे वहाँ रुक जाएंगे लेकिन पहले तो अभी 40 किलोमीटर जाके लेक पे फोटोग्राफी करनी है दो इट इज डेंजरस और थ्रिलिंग इट्स इक्वली रिवॉर्डिंग इजंट इट क्या नज़ारे क्या एक्सपीरियंसेस क्या खूबसूरत रास्ते और ऐसी राहों की मंजिल भी उतनी ही अद्भुत हो तो पूरे दिन की थकान गायब हो जाती है Unfortunately, my cams died earlier today, so शाम को ज़्यादा शूट नहीं कर पाया लेकिन अगली सुबह स्पेशल थी बहुत ही स्पेशल थी बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है यहाँ से निकलने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन निकलना पड़ेगा क्योंकि हानले जाना है हानले में और भी ब्यूटीफुल नज़ारे हमारी राह देख रहे हैं और आपकी भी तो अनदर ब्रेकडाउन हियर अभी गौरव के हिमालयन का रेयर ब्रेक फेल हो गया है अभी इस पॉइंट पे तो कुछ भी कर नहीं सकते तो
those three bikes, two Himalayans and one Hari, like Gaurav, Mangesh, Samir or Ketki, Gaurav ki pillion. चार लोग अभी रिटर्न जा रहे डेढ़ घंटे में जो पैंगोंग लेक देखा है ना, जो आज इस ब्लॉग में आपने देखा है, आई डेयर टू से अगर आप स्पैंगमिक से आगे नहीं आए हो ना यहाँ तक, तो भले आप 10 बार यहाँ तक आके गए हो लेकिन आपने पैंगोंग देखा नहीं है। जो टूर ऑपरेटर्स आपको दिखाते हैं, जो आपको वो कैंपसाइट तक ले आके वापस ले जाते हैं ना, वो आपको पैंगोंग दिखाते ही नहीं है। वो तो एक छोटा सा तालाब है कोई, पैंगोंग तो वहाँ से आगे है। पिछली बार मैं भी आया था ना स्पैंगमिक से रिटर्न गया था, आई यूज़ टू से कि मैं पैंगोंग देख के आया हूँ, लेकिन आज पता चल रहा कि मैंने पैंगोंग देखा ही नहीं था। मैं तो एक बार आया हूँ, प्रकाश सर आई थिंक 5-6 बार आ चुके हैं, लेकिन उनका भी यहाँ पे पहली बार है। एंड दिस इज द सेम थिंग दैट ही इज सेइंग कि पैंगोंग आज पहली बार देखा है। फाइनली आफ्टर मोर देन 3 आवर्स ऑफ राइडिंग एंड 48 किलोमीटर्स ऑफ ऑफ रोडिंग वी हैव रीच्ड चुशुल। नाउ वी आर टेकिंग द रूट एज प्लान्ड। हम लोग अब जाएंगे ऐसी तीन जगहों पे जो लद्दाख आने वाले 100 में से 95 पीपल करते नहीं हैं, उन्हें पता भी नहीं होता। हम अब करेंगे मिरपालसो, याएसो और उसके साथ हम गुजरेंगे काक्सांगला से। काक्सांगला विच इज़ टेक्निकली इवन हायर देन खारदुंगला। गाइज गाटा लूप्स को भूल जाओ, 21 हेयर पिन बेंड्स ऑफ गाटा लूप आर फॉर द ऑर्डिनरी पीपल। अभी तक कम से कम 35 या 36 हेयर पिन बेंड्स हो गए और अभी मुझे ऊपर कम से कम और 20 दिख रहे हैं। सो काक्सांगला इज द न्यू प्लेस if you want to enjoy hairpin bends. Series of 34 hairpin bends, उसके बाद छोटा सा गैप देने के बाद फिर एक सीरीज ऑफ अराउंड 13-14 हेयरपिन बेंड्स। उसके बीच में एक जगह पे काम चल रहा था तो जो उन्होंने स्किप रूट दिया था वहाँ पे प्रकाश सर की एवेंजर चढ़ नहीं पाई 150cc, तो धक्का मार के चढ़ाना पड़ा। और ये सब करने के बाद नाउ वी आर रीचिंग द काक्सांगला टॉप। दिस इज द टॉप ऑफ काक्सांगला। अभी ये बोर्ड डेवलप किया हुआ नहीं है तो एग्जैक्ट हाइट इसकी पता नहीं चलेगी। हियर यू गो, दिस इज याए लेक, याए सो। वाह, जस्ट वाव, look at it, I mean amazing। शाम को 7 बजे सब सो रहे थे तो फिर हम बिना रुके आगे निकल गए, न्योमा पहुंच गए। न्योमा में भी सेम सिचुएशन, फॉर्चुनेटली हमें ये होम स्टे मिला। This is a unique spot. This side, the entire
mountain is covered with sand, and on this side the entire mountain is covered with snow. This is Ladakh. If you ask me what was the best moment in this trip, or in fact my best Ladakh memory of all time, it was this. Definitely this. Guys, we have reached the Hanle Gompa. Gompa means monastery over here in Ladakhi language. This is the entrance to monastery, but monastery mein jaane se pehle aapko kuch aur dikhana hai. I'll just turn around the camera and you see this. Such an amazing view, and that's the road where we came from. दो मंजिल चढ़ के आने में सांस फूल गई है, but the view is equally refreshing. I'll show you the Hanle village from here. Look at this. Wow, just wow. That's the observatory over there. So beautiful. Hanle monastery ke views mein itna kho gaye the na ki wahan se nikalte waqt batana bhul gaya aapko. That's the monastery over there, and right now we have reached the astronomical observatory. Baki sab details to aapko website mein mil jayenge, lekin ek cheez hai jo main yahan pe batana chahta hu. Right now I just checked in the control room. अब भी यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे temperature है 12 degree Celsius. और telescope को operate होने के लिए cooling की ज़रूरत पड़ती है, और cooling के लिए वो लोग use कर रहे हैं liquid nitrogen. Just imagine कि वो motor कितना heat हो जाओगा. 12 degree में हम वैसे भी cool हो चुके हैं. हाँ, that's one more thing. The telescope is operated only at nights. मतलब 0 डिग्री के नीचे ही होगा, और स्टिल इट नीड्स लिक्विड नाइट्रोजन फॉर इट्स कूलिंग. वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग बाय द वे, इस टेलीस्कोप का नाम है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, और यहाँ पे किसी भी साइंटिस्ट के होने की ज़रूरत नहीं है. बैंगलोर में बैठ के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साइंटिस्ट वहाँ से इस पूरे टेलीस्कोप को ऑपरेट कर सकते हैं, एंड द इमेजेस दैट आर कैप्चर्ड फ्रॉम दिस टेलीस्कोप आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली टू बैंगलोर. और अभी हमारी सिचुएशन ऐसी है कि एक सेल्फी निकाल के घर पर भेज नहीं सकते, बिकॉज BSNL 2G भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे. दिस इज नॉट फेयर. अब इंतज़ार है रात होने का, अंधेरा होने का, क्योंकि हानले ऑफकोर्स इज फेमस फॉर एस्ट्रो फोटोग्राफी. दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं तारे देखने के लिए. तो अब बस इंतज़ार करेंगे, 8:30 बजे डिनर करेंगे, और उसके बाद जाके बैठेंगे यहाँ टेरेस पे. यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 750 ml की बॉटल, 85 rupees. खंबे के हिसाब से पेट्रोल मिलता है इधर. पांच खंबे इस गाड़ी में, पांच खंबे उस गाड़ी में, 7 खंबे मेरी गाड़ी में. चलो फटाफट. ज़्यादा पीती है, बहुत ज़्यादा पीती है. ओल्ड मंक. माय चॉइस. तीन खंबे कटक चुके हैं, अभी और दो बाकी हैं. माय चॉइस इज ओल्ड मंक. वाओ, ये क्या ब्रिज है. Oh my god. Okay. We are crossing Indus River right now. And off towards Kar. Akhri 10 km kachcha rasta. 2016 में भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है. गाइस, वी आर हियर एट द
मेन व्यू पॉइंट ऑफ सोमोरीरी लेक। आते टाइम जो ऑफ रोड किया वो शूट करना था, लेकिन समहाउ फिर एक बार गोप्रो ने धोखा दे दिया है। जैसे ही शूटिंग चालू किया लो बैटरी बोल के बंद हो गया। अभी चार्जिंग पे लगाया बाइक पे, जब तक वो चार्ज हो रहा है आप ये नज़ारे देख के चार्ज हो जाओ। Are you ready fight? Let's go in 3, 2, 1 and now. There are two major peaks visible from this viewpoint. This one in front of us right now is Lungsar Kangri, and the other one is a bit more interesting. The one over there in the background, right there, that is Mount Gaya, and it's in the Chinese territory. That's how close we are to China. हम Karzuk village से वापस निकल चुके हैं। अभी ITBP के post पे entry करानी है, मतलब exit करानी है। And then we'll be off towards our return journey, Leh Manali highway पे लगने के लिए। But there's a lot more to see on the way. Petrol मिल गया है यहाँ पे, खुद के लिए भी और bikes के लिए भी। सेम पैटर्न सेम रेट दिखाऊं क्या? ये देखो खंबे के हिसाब से पेट्रोल मिलता है इधर। कौन से ब्रांड है? डबल क्रॉस। दिस एंटायर प्लेन्स ऑन माय लेफ्ट, दिस इज पुगा हॉट स्प्रिंग्स। ऑल द रिवुलेट्स दैट यू सी, जो भी पानी यहाँ पे बह रहा है ना, it will be hot if you go into touch. This is Puga village. Abhi September mein pani to bahut kam hai yahan pe. Last time when I came in July, I could literally see like the river is flowing and it's boiling randomly somewhere. On this route that connects Karzuk directly with Leh Manali highway, we crossed another pass. Not as difficult to ride as some others, but yes, it was a full 40 kilometers of off-road. Good that we were used to it by now, warna halat kharab ho jati. वैसे अब यहाँ से आगे जो बचा था वो लद्दाख आने वाले हर इंसान का सपना होता है. Yes, now from here, we were supposed to ride on the Leh Manali highway. A road that has taken hundreds of lives in the past. But still, it goes down as the most favorite part of trip for thousands of people every year. But this behind me is the Moor Plains. दुनिया का सबसे ऊंचा या सेकंड सबसे ऊंचा पता नहीं प्लेट्यू है ये। और अभी मैं जहाँ चल रहा हूँ ना, वो प्लेस मूर प्लेन से भी ज़्यादा यूनिक है। Just look at this. Such a beautiful valley. क्या कहेंगे आप इसको? ये है हिमालय की यूनिक ब्यूटी। एंड नाउ आई विल शो यू द गेट टू हेवेंस। पता है कहाँ है? जस्ट टर्न लेफ्ट, सी दिस। दिस इज ऑल थैंक्स टू BRO। आधे घंटे से भी कम समय में लाचुंगला के टॉप तक पहुंच गए, बिकॉज इट इज ऑल टारमैक्ड, सिल्की स्मूथ रूट। दिस इज द टॉप ऑफ लाचुंगला। फर्स्ट पास ऑन द Leh Manali हाईवे फॉर अस। वी आर हियर एट द टॉप ऑफ द सेकेंड वन। दैट्स हाउ गुड द रोड्स आर राइट नाउ। वी आर रियली ब्लेस्ड। That is 15,547 feet. यहाँ से गाटा लूप्स चालू होते हैं। It's a series of 21 hairpin bends. Now we'll be descending through them. I don't know how many of you believe in this, but there's a story behind this place. ऐसा कहा जाता है कि there was a truck जिसमें driver और cleaner दो लोग थे, दोनों को यहाँ से हिसारचू से ले जाना था
कुछ सप्लाईज, इमरजेंसी सप्लाईज लेके, ओके। और यहाँ पे पहुँच के ट्रक ब्रेकडाउन हुआ। ब्रेकडाउन होने के बाद दे हैड नो ऑप्शन बट टू गो टू सरचू, ओके। बट क्लीनर जो था वो बहुत बीमार था, क्लीनर बीमार था तो क्लीनर यहीं पे रुक गया, ट्रक में ही रुक गया, ड्राइवर नीचे चला गया। इन द मीन टाइम मौसम बदल गया, स्नोफॉल हुआ, रोड क्लोज हो गया, क्लीनर जो है यहाँ पे बिना पानी के मर गया ट्रक में, ओके। और 3-4 महीने बाद जब वो ड्राइवर और लोकल्स यहाँ पे आए वापस, तब उनको ये सब पता चला। तब से ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे वो जो क्लीनर है लोगों को गाड़ियाँ रोक के पानी मांगता है पीने के लिए। तो जिनको भी ये कहानी पता है ना, वो लोग यहाँ पे पानी की भरी हुई बॉटल छोड़ते हैं। इफ़ यू सी ऑल द बॉटल्स आर फिल्ड, देयर इज नो एम्प्टी बॉटल। और अगर और नज़दीक से देखना है तो अभी उसका है कि किसका है पता नहीं, वो जो बना हुआ है ना उसके अंदर एक ह्यूमन स्कल है रखा हुआ। आज हम जहाँ रहने वाले हैं ये है आज का हमारा महल, लद्दाख ढाबा नाम है इसका। सर आपका नाम? लुबजंग सर। लुबजंग, सरचू का जो कश्मीर वाला चेक पोस्ट है ना, कश्मीर साइड वाला, उससे पहले ही है ये प्लेस। अभी यहाँ पे रात को रुकेंगे, ठंड अंदर नहीं लगनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे मस्त ये बना हुआ है, मजा आएगा आज कुछ अलग एक्सपीरियंस। द लास्ट डे ऑफ दिस एडवेंचर, लास्ट डे ऑफ राइडिंग इन हिमालयाज, एंड दिस लास्ट डे हैड अ लॉट टू ऑफर। फ्रॉम दिस क्रेजी वाटर क्रॉसिंग दैट ऑलमोस्ट किल्ड द क्लच प्लेट्स ऑफ योगेश's बाइक, टू दिस रोड सो नैरो दैट इट हैज पुश्ड मेनी व्हीकल्स डाउन इन द गॉज, फ्रॉम दिस ब्यूटिफुल वाइंडिंग रोड्स डाउन फ्रॉम बारालाचाला टू अनदर स्पेल ऑफ ऑफ रोड्स दैट गॉट बेटर ऑन द मोस्ट एक्सपीरियंस राइडर ऑफ आवर लॉट। We had been to so many of such streams in the last 2 weeks that this one now was as simple as walking over tarmac. But then there was Rohtang Pass, the mighty mountain that stands right between romantic Manali and adventurous Ladakh. The road was bad and broken as hell, and we were riding with a mix of feelings. We were happy for completion of this amazing adventurous ride, and at the same time we were sad. For the same reason.